Let him talk. How? Disturb salah. Gaul di sini. Sang aman mo ambil aku deh. आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं कैलेंडर बेचते हैं। जी खरीदेगा इसको कोई? कितने का? एक का हंड्रेड रुपीज। हम कैलेंडर फंड के लिए, अच्छा कॉलेज यूनियन फंड के लिए कैलेंडर बेचने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जिया की तरफ। इस बच्चे को हेल्प कर रही हूँ मैं। थैंक यू तो बोलो। वेलकम। थैंक यू बोलो ना। वेलकम। है तुम थैंक यू बोलो ना मुझे। थैंक यू मामा। थैंक यू भी जबरदस्त से मुझे खुद लेना पड़ता है। ये देखिए माय स्कूल का मंग बुले लो। ये देखिए मामा जी तलवार बनाते हैं। ये नाइफ लो का कोया ऐसे बनाते हैं। तो आज के दिन हम बनने जा रहे हैं सेलर। एक कैलेंडर 100 रुपीस। आई होप सेल हो जाए। क्या हो गई? मैं मोटू हो गई। तो तुम मुझे बोल रही कि मैं कितनी मोटी और तू तुम कितनी पतली हो गई। कब किस रकम में देखो ये सुअर का दाना है। वाह और वो छोटा लड़का। उफ ठंडी यार। हम दोनों वहां रोइंग से आए हैं यहाँ पे कैलेंडर बेचने के लिए। बेचने भी आए तो सबसे पहले अपने अपने घर में अपने मासी के घर पे आए। अरे यार कितना बोल रही है कि मैं कितना मोटी हो गई मोटी हो गई। डाइटिंग करूंगी यार। मोल का घायल ढूंढ रहे। हमारा कैलेंडर जिसको हम बेच रहे हैं इनके कॉलेज का, लोअर दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन का। नाइस। यही बेचने के लिए आए हम। एक कैलेंडर 100 रुपीस। पोजी का टिंग मौसी चाहती है कि इसके बाल छोटे छोटे हो जाए और पूरा चेहरा दिखे। ओके गया। द सॉक्स। वाह दिस इज वेरी क्यूट। लुक एट हर सॉक्स। हैंडमेड। लुक एट माइन। लुक एट हर। वेरी क्यूट। पाव गरम करते हैं। उल्लू बेचारा। हम उसे तो नहीं आ सकते लेकिन हम अनुभव को देखने मन हो रहा था। मेरे लिए आई हो। देखो मेरे बच्चे का बेटा।
मेरे बच्चे का बेटा, मतलब मेरे भैया का बेटा। उल्लू तुम्हारा प्लेस, प्लीज इसको डिस्टर्ब कर रहे प्लीज। Let him talk. How? Disturb साला। गाँव डी भी लेके जा रहा था गाँव। मार दूँगी। How? बाहर का आता होगा लड़का। ऐसे तो जाते हैं। तब बोल रहा था अच्छे से आगे मैं साला disturb कर दिया साला। क्या हरामी चेंज से नहीं देखता कुछ भी। How? जलेबी मम्मी उसका मजा यंगा हम दोनों जाएंगे, यंगा और हम दोनों जा रहे हैं अपना फेवरेट टुप्पा खाने के लिए फिर से स्टेशन में। और ये लड़का यहाँ कैलेंडर बेचेगा, बेचने दो उसको। हमारे दुदुंग ने एक कैलेंडर खरीद लिया है 100 रुपए का, और भाभी को भी एक कैलेंडर खरीदना पड़ेगा। और तुमको भी हम देखते हैं टुप्पा काटी देते हैं ना, क्या क्या काटी देते हैं उनके। अभी हमारी यंगा एक्सपर्ट हो गई है स्कूटी चलाने में। टुप्पा खाने जा रहे हैं, हम आ गए हैं टुप्पा खाने के लिए। एंड ये वही शॉप है, इट्स नॉट अ शॉप, इट्स अ रेस्टोरेंट। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम एक साल पहले आए थे, टुप्पा खाया था यहाँ पे। आज फिर से खाने जा रहे हैं। मैं थोड़ा पतली हो गई हूँ पहले से तो पतली हो गई हो भाई। यार तुम पहले से पतली हो गई हो, या तो मैं ओवर एक्सेस मोटी हो गई पतली लग रही है। असली का भाई आपका मोटी का वजह से हम पतली लग रहे हैं। हो सकता है, मुझे तो पतली लग रही है पहले से। पता है ये जैकेट भी इतना टाइट हो गया कि ऐसे सांस लेना पड़ रहा है। ये मेरी बहुत प्यारी बहन हमेशा एक्साइटेड रहती है मेरे साथ ब्लॉग बनाने के लिए, हमेशा खाने पीने के लिए। और हमेशा आपको ब्लॉग खाने वाला चीज अब ब्लॉग नहीं बनाते हैं उसको देखिए पर तुमने का लालच दिखाया मेरे सारे फ्रेंड को पता है तुम्हारे बारे में दिल्ली में। यंगा 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 अरुणाचल जा रही हो ना, यहाँ से हाय बोलना। अरुणाचल जा रही हो ना, यहाँ का हाय बोलना। वेट कर रहे अपने टिकट का। आप कब जाएगा वापस? मैं वापस नहीं जाऊँगी। ये देखो वाओ, आई कांट वेट। ये क्या मिर्ची है इसमें? हम और इसको स्पाइसी बना सकते हैं इसको डब्बा। मेरा तो हो गया। और पता है जिस तरीके से मेरे नाल बह रहे उस हिसाब से दिल्ली में मैं कहीं भी कुछ भी खाती थी, देयर इज नथिंग लाइक कि
कि ये मुझे कभी तेज लगे है ना, उनकी मर्जी मिर्ची जो है मुझे लग जाए। मगर यहाँ देखो एक टुप्पा खाया, कैसे मेरा नाक बह रहा है। दिल्ली के और यहाँ के मिर्ची में बहुत अंतर है। प्रॉब्लम है यहाँ है ना, बार बार ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम रहता है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इश्यू रहते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास कैश पड़े रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले अच्छा लगता था, मगर जब से ये ऑनलाइन पेमेंट मोड आया है तब से मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मेरे पास कोई कैश रहे और मैं बार बार यू नो अपना ATM घुसा के कैश निकालूं। बट फाइन दे दिया मैंने। ये वही बिल्ली है जिसको यांगा ने एक बार टुप्पा खाते वक्त फेंक दिया था। आई प्ले द वीडियो। अब खाने के बाद बारी आई है एक घंटे या सोने की, इससे तू आप मोती हो जाता है। तो खाने के बाद, खाने के बाद कौन सोता है, एक्सरसाइज करो भी रास्ता में। पूरी दुनिया खाने के बाद सोती है यांगा, पूरी दुनिया। लेकिन आप नहीं सो सकते मुझे तो सोना ही है। अब देखो भगवान ने मोटी बनाई थी है तो क्या कर सकते है। मम्मी तुमको कहाँ का चाहिए? कहीं का भी चाहिए, लेकिन अमीर होना पड़ेगा। कहीं का भी मकबो चाहिए। मकबो मीन्स जीजा जी को बोलते हैं। इसको चाहिए कहीं का भी जीजा जी, किंतु चाहिए आपको जीजा जी, ये होने पड़ेंगे उसके पास। अगर मेरे व्यूअर्स पैसा ही पैसा होना पड़ेगा अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी के पास ऐसे है तो आ जाए मेरा हाथ। नहीं नहीं, लेकिन भी तो अच्छा भी होना पड़ेगा। आमी बोधम को प्यार करना पड़ेगा ना, नहीं थी किसी ने थोड़ा प्यार भी करना पड़ेगा मुझे, मगर सबसे पहला प्रायोरिटी है बहुत सारे पैसे, ठीक है? ताकि हम भी साथ में बेच सके। इतना बड़ा आदमी को पालने के लिए तू थोड़ा पैसा चाहिए ना ठीक है, मैं पाल लूंगी तुमका। देखो कितना मिस किया इसने मुझे, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, एक बार जॉब लग जाएगा फिर मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी, ठीक है? दिल्ली में खा खा के जॉब कर करके सो सो के इतना बड़ा मोटू बदन हो गया मेरा। हाँ एकदम, ये कुर्ती में यहाँ के लिए भेजा था मैंने दिल्ली से। इतनी सुंदर लग रही है सच में, सुंदर है ना। हाँ कलर बहुत अच्छा है ना ये, लेकिन ये जो मेरा हाँ इतना प्यार से इतना दूर से भेजा है, हम क्यों बर्बाद करेगा अभी सो के उठे बेचारा मेरा भाई का कैलेंडर, कैलेंडर बेचने के लिए आए थे, अपने मौसी के घर आके दोनों सो गए। सिर्फ मेरी गलती नहीं है, वो भी सो गया है अभी 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 सो के उठा है वो भी। चलो अभी अपना काम पूरा करने जा रहे हैं फिर से। एक घर, पता नहीं एक घर पे आए हैं यहाँ बेचने के लिए अपना कैलेंडर। लोग है क्या? लग तो रहे कोई भी नहीं है, चेक कर लो एक बार भाई। डर लगता है मुझे डॉगी से। लॉक, ओह माय गॉड, सैड सैड सैड। हैव अ लुक, देखो आई डोंट नो, आजकल तो कौन ही खरीदते कैलेंडर। यहाँ तो अभी दो तीन घर हमने घूम लिया, अभी एक और घर जा रहे हैं। ये लोग खरीदेंगे या नहीं? रेना इंजन में कौन है पासी का? रेना रेना आ ओ देवर आ रे नो नी ना अनबुए कुन आ मा मा नो पतम ना मुम कांग चिन दो मा नानी मुर तुम के अगुएलु मो ओ मे अरब दिल्ली दुने ना अरब ना रंग रुम गिगो बोलु ना आई अरब ना